नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा टी20 मैच खेला जाएगा 17 जून को सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट के मैदान पर इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस चौथे टी20 मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस चौथे टी20 मुकाबले के लिए सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट की पिच रिपोर्ट क्या है। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस चौथे टी20 मैच में इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती हैं, वहीं पर इस चौथे टी20 मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मुकाबले से जुड़ी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चौथे टी20 मुकाबले के लिए सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले टी20 इंटरनेशनल मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो दोस्तों इस मैदान पर 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने एक मैच जीता है, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने यानी कि चेजिंग साइड ने 2 मैचेस जीते हैं और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 183 रन का रहा है, वहीं पर एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 170 रन का रहा है। तो दोस्तों, आप इन एवरेज स्कोर से देख सकते हो कि यहां पर बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस शानदार रहती हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिच ही आपको यहां पर देखने को मिलती है और इस मुकाबले में भी आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर दोस्तों जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी उसकी यही कोशिश होगी कि किसी तरह जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 190 से 200 के बीच में बनाया जाए, तभी दोस्तों आप इतना स्कोर यहां पर डिफेंड कर सकते हो। लेकिन अगर 175 और 180 के आसपास टीम रह जाती है तब दोस्तों ये स्कोर चेज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि पूरे मैच के दौरान यहां पर बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस अच्छी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर जो एक मुकाबला खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 201 रन बनाया था, लेकिन इसके बावजूद इंडियन टीम ने वो स्कोर चेस कर लिया था। तो दोस्तों, काफी बड़े बड़े स्कोर भी इस मैदान पर चेस हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले इस मैदान के कुछ टी20 इंटरनेशनल मैचेस के रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो इंडिया ने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 202 रन 4 विकेट के नुकसान पर, वहीं पर जो हाईएस्ट टोटल चेस हुआ है वो इंडियन टीम ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 202 रन 4 विकेट के नुकसान पर, वहीं पर जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो न्यूजीलैंड ने किया है इंडिया के खिलाफ 196 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस चौथे टी20 मैच में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों, जो 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस अभी तक इस मैदान पर खेले गए, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल यहां पर 17 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 10 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं, जहां पर राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 12 विकेट लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 5 विकेट मिले हैं। इसके अलावा राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 1 विकेट लिया, जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 6 विकेट मिले हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 3 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों, आप इन ओवरऑल स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि जो राजकोट की पिच है वहां पर तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी ज्यादा मदद देखने को मिली है कंपेयर टू स्पिनर्स। हालांकि अगर हम स्पिनर्स की बात कर ले तो इस पिच पर जो राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हुए हैं, इसलिए दोस्तों उन्होंने 6 विकेट्स भी अभी तक इस पिच पर चटकाए हैं, यानी कि जो युजवेंद्र चहल हैं वो इस पिच पर इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की तरफ से जो तबरेज शमसी हैं लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर, वो भी इस पिच पर अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं मिडिल ओवर्स में। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम तेज गेंदबाजों की बात कर लें तो ये देखा गया है कि इस पिच पर जो शुरुआती ओवर्स होते हैं वहां पर तेज गेंदबाजों के लिए मदद मिलती है, गेंद स्विंग भी होती है, सीम भी होती है। ऐसे में दोस्तों, फास्ट बॉलर्स के पास शुरुआती ओवर्स में विकेट चटकाने की अपॉर्चुनिटी होगी, वहीं पर मिडिल ओवर्स में जो राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं या फिर लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स हैं वो इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा रखने चाहिए कंपेयर टू स्पिनर्स, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, और उन 2 स्पिनर्स में आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं चौथे टी20 मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो दोस्तों, इंडियन टीम ने पहले 2 टी20 मैच में मिली हार के बाद तीसरे टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को 48 रन से हराकर सीरीज में शानदार वापसी करी है। ऐसे में दोस्तों, जो विनिंग मोमेंटम इंडियन टीम को मिला है यहां से, उसको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे और इस मुकाबले में भी अनचेंज्ड प्लेइंग 11 के साथ ही आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद भी इंडियन टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में
में कोई बदलाव नहीं किया था, तो इसलिए दोस्तों इस मुकाबले में भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई बदलाव करने वाले हैं। तो आपको इंडियन टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है, जहां पर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड के साथ ईशान किशन, नंबर 3 पर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर कैप्टन एंड विकेट कीपर ऋषभ पंत, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर हर्षल पटेल, नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल और नंबर 11 पर आवेश खान आ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथे T20 मैच के लिए साउथ अफ्रीका की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को पिछले मैच में हार का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों वो सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पिछले मैच में मिली हार से वो ज्यादा परेशान होंगे और लगभग वैसी ही प्लेइंग 11 के साथ आपको इस मैच में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि सिर्फ एक बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, अगर क्विंटन डिकॉक जो है वो इंजरी से पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं तो फिर वो ओपनिंग स्लॉट में रीजा हेंड्रिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको साउथ अफ्रीका की जो प्लेइंग 11 है वो अनचेंज्ड ही नजर आ सकती है, जहां पर आपको इनके लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे तेंबा बमुआ जो कि कैप्टन है, उनके साथ रीजा हेंड्रिक्स या फिर क्विंटन डिकॉक, नंबर 3 पर आ सकते हैं ड्वेन प्रिटोरियस, नंबर 4 पर रासी वांडर डुसन, नंबर 5 पर विकेट कीपर हेनरिक क्लासन, नंबर 6 पर डेविड मिलर, नंबर 7 पर वेन पार्नेल, नंबर 8 पर कैगिसो रबाडा, नंबर 9 पर केशव महाराज, नंबर 10 पर तबरेज शमसी और नंबर 11 पर एंडिक नोकिए आ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथे T20 मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें दोनों टीमों के बीच खेले गए लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका ने 3 मैचेस जीते हैं जबकि इंडियन टीम सिर्फ 2 मैचेस ही जीत पाई है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इन दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की, तो साउथ अफ्रीका ने जो अपने पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मैच जीते हैं जबकि सिर्फ एक मुकाबला हारा है जो कि पिछला मुकाबला हारा था इंडिया के खिलाफ। इसके अलावा इंडियन टीम ने जो अपने पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मैच जीते हैं जबकि 2 मैचेस हारे हैं जो कि इसी सीरीज में हारे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो दोस्तों करंट फॉर्म के हिसाब से भी साउथ अफ्रीका की टीम यहां पर बेहतर नजर आ रही है। इसके अलावा जो रीसेंट मैचेस के हेड टू हेड रिकॉर्ड है वहां पर भी साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात कर लें पिछले 10 मैचेस में इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की, तो साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों का जो विनिंग परसेंटेज है वो 80 है जबकि एवरेज स्कोर के मामले में इंडियन टीम ज्यादा बेहतर है। इंडिया का 178 है जबकि साउथ अफ्रीका का 148 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में दोनों टीमें लगभग बराबर हैं, इंडिया का 211 है जबकि साउथ अफ्रीका का 212 है। लोएस्ट स्कोर के मामले में इंडियन टीम ज्यादा बेहतर है, इनका 148 है जबकि साउथ अफ्रीका का 86 है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे पिछले 10 मैचेस में, तो इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस लगभग एक जैसी ही रही है, यानी कि ये दोनों ही टीमें पिछले 10 मैचेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रही हैं और पिछले मुकाबले में जिस तरीके से इंडियन टीम ने जीत हासिल करी है, सीरीज में शानदार वापसी करी है, ऐसे में दोस्तों जो मोमेंटम है वो इंडियन टीम की तरफ जा चुका है। तो एक और आपको रोमांचक और कड़ा मुकाबला इस मैच में देखने को मिल सकता है। तो हम बात कर लेते हैं चौथे T20 मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में, लेकिन दोस्तों अगर हम उससे पहले इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें, तो ओपनिंग के मामले में इस समय इंडियन टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, मिडिल ऑर्डर के मामले में साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है जबकि बैटिंग डेप्थ के मामले में इंडियन टीम ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, पेस बॉलिंग अटैक के मामले में साउथ अफ्रीका ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है जबकि स्पिन बॉलिंग अटैक के मामले में इंडियन टीम थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करेंगे तो इस समय ये दोनों टीमें एक ही स्थान पर नजर आ रही है, मतलब बराबरी की टक्कर आपको लग रही है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। जिस तरीके से इंडियन टीम ने पिछले मैच में वापसी करी है उससे यहां पर इंडियन टीम को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा, मोमेंटम इस समय इंडिया के साथ है। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से शुरुआती 2 T20 मैचेस जीते हैं वो आपको साबित करता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी टीम हो चुकी है T20 फॉर्मेट में। ऐसे में दोस्तों आपको एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो इंडियन टीम के साथ ही जाने वाली है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथे T20 मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर लें तो आप इंडियन टीम की तरफ से ईशान किशन के साथ जा सकते हो। इन्होंने अभी तक तीनों T20 मैचेस में बेहतरीन पारियां खेली हैं, पिछले 9 मैचेस में 369 रन बनाए हैं 41 के एवरेज और 132 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप श्रेयस अय्यर के साथ भी जा सकते हो, पिछले 8 मैचेस में 344 रन बनाए हैं 69 के एवरेज और 152 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से रासी वांडर डुसन को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो, पिछले 10 मैचेस में 254 रन बनाए हैं 51 के एवरेज और 121 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप क्विंटन डिकॉक के साथ भी जा सकते हो अगर वो ये मुकाबला खेलते हैं तो, पिछले 7 मैचेस में 208 रन बनाए हैं 41 के एवरेज और 118 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर वो ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो फिर आप हेनरिक क्लासन को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। वहीं पर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं गेंदबाजों की, तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म फास्ट बॉलर हर्षल पटेल को इस फैंटेसी 11 में
रख सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 15 विकेट चटकाए हैं 8.73 की इकोनॉमी और 14 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप राइट आर्म फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार के साथ भी जा सकते हो। इन्होंने भी दोस्तों इस टी20 सीरीज में अच्छी गेंदबाजी करी है। पिछले 8 मैचेस में 11 विकेट लिए हैं 6.93 की इकोनॉमी और 15.27 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर आप साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से राइट आर्म फास्ट बॉलर एंड्रिक नोकिया के साथ भी जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 13 विकेट चटकाए हैं 6.61 की इकोनॉमी और 14.46 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पर दोस्तों आप राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस के साथ भी जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 13 विकेट्स लिए हैं 8.10 की इकोनॉमी और 12.76 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा दोस्तों अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो आप साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर तबरेज शमसी को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो और इंडिया की तरफ से युजवेंद्र चहल के साथ भी जा सकते हो जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर्स हैं। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और कौन सी टीम ये चौथा टी20 मैच जीतने वाली है? क्या इंडियन टीम चौथा टी20 मैच जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर देगी या फिर साउथ अफ्रीका की टीम ये चौथा टी20 मैच जीतकर सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना लेगी? आपकी जैसे भी राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।